सर, विनायक जोशी और नैना मिश्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उनकी मौत तकरीबन एक ही तरह से हुई है, वायर से गला घोटकर। और दोनों का कत्ल 11 और 12 के बीच में हुआ है। और शायद दोनों कत्ल किए भी किसी एक ही आदमी ने। हो सकता है सर। अच्छा, ये दोनों रिपोर्टर्स विक्रम लाल की फिल्म को कवर करने के लिए आए थे ना? जी हाँ सर। यानी कि बात घुमा फिरा कर विक्रम लाल और उसकी फिल्म की यूनिट पर जाती है और रोहन लाल पर भी। क्या हुआ, फोटोग्राफ प्रिंट होके आ गए? यस सर। तो वेट करो। पार्टी ले, फोटोग्राफ देखो। इस फोटोग्राफ में तो लीना दास गुप्ता और रोहन लाल होटल के कॉरिडोर में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। सर, इसे देखकर तो लगता है कि लीना दास गुप्ता रोहन से मिलने उसके रूम पर गई थी। पार्टी, याद करो डेविड का बयान। डेविड के बयान के मुताबिक उस दिन नैना मिश्रा ही लोकेशन पर गई थी, विनायक जोशी नहीं। इसका मतलब है कि इन तस्वीरों को विनायक जोशी ने ही खींचा है। हो सकता है सर। और बाद में इन तस्वीरों को हासिल करने के लिए विनायक जोशी और नैना मिश्रा का कत्ल किया गया होगा। सर, मुझे तो सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा है। और मुझे भी। पाटिल, बस एक ठोस सबूत मिल जाए तो अभी हम रोहन लाल को गिरफ्तार कर ले। रोहन तो यहाँ भी नहीं है। पाटिल, मैंने तुमसे रोहन पर नजर रखने के लिए कहा था। सर, मैंने पता किया, रोहन आजकल अपना अधिकतर समय मिली के साथ गुजारता है। मिली? कौन मिली? आपको याद होगा सर, हम बार में इंक्वायरी के लिए गए थे, वहां पर एक लड़की थी, उसी का नाम मिली। पाटिल, हमें इसी वक्त मिली से मिलना होगा। चलो उसके घर।